पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि डिजिटल कैटलॉग क्या होता है और इसके दो पहलुओं पर ध्यान दिया, डेटाबेस और डिस्प्ले। एक ऑनलाइन सेलर के लिए उच्च गुणवत्ता के डिजिटल कैटलॉग के लाभ के बारे में जाना और ये जाना कि कैसे उत्पाद की एकदम सही जानकारी बिक्री प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमने थर्ड पार्टी कैटलॉग सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी सीखा है, जो आवश्यकता पड़ने पर कैटलॉग बनाने में विक्रेताओं की सहायता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स को परिभाषित करने के बारे में जानेंगे, उन्हें कब, क्यों और कैसे परिभाषित किया जाता है, अलग प्रकार के एट्रीब्यूट्स और वह आपके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए कैसे आवश्यक हैं। तो एक एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट एक बहुत ही अलग विशेषता या किसी उत्पाद के बारे में जानकारी है, जो कि एक अनोखे स्टॉक कीपिंग यूनिट या SKU को परिभाषित करती है। ये ग्राहकों को खरीदारी के समय पर उत्पाद के बारे में जानने, उत्पादों में फर्क करने और उत्पाद के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। कैटलॉग बनाते समय उत्पाद एट्रीब्यूट्स को परिभाषित किया जाता है। उत्पाद एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके बायर एप्लीकेशन ग्राहकों को हजारों उत्पादों से फिल्टर करने में और उनकी जरूरतों से मिलता एक उत्पाद चुनने में मदद करता है। एक अच्छा उत्पाद भी उचित एट्रीब्यूट्स के बिना पूरी जानकारी की कमी होने के कारण ग्राहकों को नजर नहीं आएगा। मुख्य उत्पाद एट्रीब्यूट्स को छोड़ देने से सेलर और सेलर NP बेचने का एक मौका खो देंगे। कई अलग प्रकार के एट्रीब्यूट्स हैं, चलिए इनके बारे में और जानें। पहले हमारे पास है मैंडेटरी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स। जैसा कि इनका नाम है, मैंडेटरी और क्रिटिकल, एक ग्राहक को खरीदारी तय करने के लिए निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जूतों के मामले में जूते का माप एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होगा। एक एयर कंडीशनर के लिए टन भार एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है। ONDC नेटवर्क ने इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स की स्थापना की है। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को उनके उत्पादों के लिए बस मैंडेटरी एट्रीब्यूट फील्ड्स में उनकी कीमत जोड़नी है। एक बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट भी अपने बायर अनुभव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स को घोषित कर सकता है। मैंडेटरी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स पर नई जानकारी के लिए ONDC वेबसाइट पर संचालन और नीतियां अनुभाग पर जाएं और चैप्टर 2 पढ़ें। यहां फूड एंड बेवरेज कैटेगरी के लिए मैंडेटरी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स का एक उदाहरण है। यहां है चीज का नाम, भोजन का प्रकार, सर्विंग, पोर्शन साइज और मुख्य सामग्री। फिर आते हैं मैंडेटरी इंफॉर्मेशनल एट्रीब्यूट्स। ये मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें कानून द्वारा ग्राहकों के लिए प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए मूल देश या निर्माता का पता। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को प्रत्येक के अंतर्गत दिशा निर्देशों और नियमों के लिए निम्नलिखित वेबसाइटों को देखना चाहिए। लेबलिंग आवश्यकताओं के लिए द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तोलने और मापने के नियमों के लिए द लीगल मेट्रोलॉजी वेबसाइट, ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियमों के लिए द कंज्यूमर अफेयर्स पोर्टल, पैकेजिंग और लेबलिंग नियमों के लिए FSSAI, और अंत में हमारे पास ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं। ग्राहक एक उत्पाद खरीदने का फैसला इन उत्पाद एट्रीब्यूट्स को जाने बिना कर सकता है, परंतु उन्हें जानना अच्छा होगा। यदि ग्राहक अधिक जानकारी चाहता हो या समान एट्रीब्यूट्स वाले उत्पादों की तुलना करना चाहे तो, उदाहरण के लिए मोबाइल फोन खरीदते समय एक ग्राहक बैटरी की मिली एम्पियर पर आवर रेटिंग के साथ साथ निर्माता द्वारा प्रदान किए गए अनुमानित टॉक टाइम और स्टैंड बाय टाइम को देख सकता है। ये निर्धारित करने के लिए कि किस फोन की बैटरी लाइफ सबसे लंबी है, अलग अलग मॉडलों में इन एट्रीब्यूट्स की तुलना करके ग्राहक एक सूचित निर्णय ले सकता है कि कौन सा फोन उनकी जरूरतों को पूरा करेगा और हर रूप से सबसे अच्छा मूल्य प्रदान करेगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि विक्रेता ये सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक एट्रीब्यूट्स जोड़ें, ताकि सभी प्रकार के ग्राहक या सेगमेंट के लिए कैटलॉग पर्याप्त रूप से पूरा हो। ये सुझाव दिया जाता है कि आप पहले मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स को सूचीबद्ध करें और फिर नॉन मैंडेटरी या ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करें। ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स को ONDC प्रत्येक श्रेणी के लिए कैटलॉग में जोड़े जाने का सुझाव देगा।
संक्षेप में कहूँ तो एट्रीब्यूट्स किसी उत्पाद की मूर्त और अमूर्त विशेषताएं हैं जो ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद खोजने, तुलना करने और चुनने में सहायता करते हैं। जब सेलर एनपी ऑनलाइन कैटलॉग पर अपनी इन्वेंट्री उत्पादों को अपडेट करते हैं, तब उन्हें तीन मुख्य प्रकार के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने और विक्रेताओं को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। मैंडेटरी क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स, मैंडेटरी इंफॉर्मेशनल एट्रीब्यूट्स और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। हमारे अगले वीडियो में हम उत्पाद कैटलॉग के अलग अलग अनुभागों और उनके लिए दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे।